नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर की शहरी क्षेत्र में अब सरगर्मी तेज होने लगी है। 28 दिसंबर को मेयर, उपमेयर और पार्षद पद के लिए मतदान होना है, जिसके लिए अब सभी प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार में जोर लगा दिया है। नगर निगम भागलपुर से मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। वो लोगों से मिलकर अपने वादों और इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रही हैं, साथ ही अपने चुनाव चिन्ह चमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील भी कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत भागलपुर नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज खलीपाबाग मुख्य बाजार, वैरायटी चौक, सूजागंज, हड़ियापट्टी, सूतापट्टी, पराठा गली, बाटा चौक, कलाली गली, स्टेशन चौक, महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड, कोतवाली चौक सहित पूरे बाजार में घूम घूमकर मतदाताओं से मिली और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान वसुंधरा लाल के साथ उनके समर्थक और महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि उन्हें मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अपनी बातों से वो मतदाताओं को अवगत करा रही हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि मतदाता इस बार राजनीति और जात पात से उठकर उन्हें वोट करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि मतदाता अगर उन पर विश्वास जताते हैं तो स्मार्ट सिटी भागलपुर की सभी विकास कार्यों को वो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगी। मुझे तो जनता का भरपूर समर्थन दिख रहा है। मुझे लगता है कि जनता मुझे इतना पसंद कर रही है, वो अपने घरों से निकल के बाहर आ करके हमको भरपूर प्यार दे रही है। मैं पूरी जनता की दिल से आभार देती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भागलपुर की जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि मुझे आप उस पद पर बैठाएं जिसके लिए आप मेरे लिए बाहर आती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, और उसके बाद में आप सबों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी असुविधाएं हैं, सबको मैं दूर करूँगी।